अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आम जन में अराजकता फैलने का संदेह है। 8 घंटे तक हो रही कटौती के कारण उपभोक्ता त्रस्त हो गए हैं। गर्मी में उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल पा रहा है, उनका व्यापार भी आधा हो चुका है। इस पर SDM ने अघोषित कटौती करने वाले विद्युत विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है। क्षेत्र में लंबे समय से अघोषित विद्युत कटौती में आमजन परेशान है। 8 घंटे तक उमस भरी गर्मी में हो रही कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। जल संस्थान उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं दे पा रहा है। पानी की किल्लत से निपटने के लिए शहर वासियों को वाटर टैंक की आवश्यकता पड़ रही है। घंटों हो रही कटौती के कारण विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य प्रभावित हो गए हैं। व्यापार भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अघोषित कटौती में गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ऊर्जा विभाग के अफसरों से मुलाकात कर नाराजगी जताई। लगातार कटौती के कारण क्षेत्रवासियों के बीच बिजली को लेकर रोष पनपने लगा है। इससे अराजकता फैलने का भी भय बना हुआ है। SDM तुषार सैनी ने शुक्रवार को अघोषित बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा विभाग के अफसरों से नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। SDM ने बताया कि कटौती के खिलाफ आमजन लगातार शिकायतें कर रहा है। वह नोटिस भेजकर अघोषित विद्युत कटौती पर जवाब मांग रहे हैं। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। संगठनों से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लगातार हम लोगों के पास भी जो जनमानस है वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि अघोषित कटौती की जा रही है क्षेत्र में। इसके संबंध में आज एक बिजली विभाग के अधिकारी को तलब किया गया था, जिसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि कोई जो भी कटौती क्षेत्र में की जाती है उसके संबंध में पहले से किसी को भी अवगत नहीं कराया जा रहा है और कटौती भी जो है वो बहुत अधिक की जा रही है। तो इसके संबंध में नोटिस दिया है, अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो फिर अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसमें जो है सभी तथ्यों की जाँच करेंगे कि क्या कारण है, किस लेवल पर जो है इसमें जो है लापरवाही बरती जा रही है। अगर हमारे क्षेत्र के स्तर से ये कोई इस तरह का तथ्य सामने आता है तो आगे की कार्रवाई करी जाएगी।